सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्नोफॉल लाइव में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं रियलमी X7 5G स्मार्टफोन। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। और इस बार जो है रियलमी की तरफ से बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लेके आए हैं 5G, वो जो कि बहुत ही फास्टर 5G स्मार्टफोन है, रियलमी X7 मैक्स 5G। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की जो है 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द हो सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों के 1K सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएं। और चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर हम लोग बात करें अपने इस स्मार्टफोन्स की, तो ये कुछ इसकी जो डिज़ाइन और लुक है वो कुछ रियलमी सेवन और बोल सकते हैं अभी जो मैंने हाल ही में रिव्यू किया था रियलमी नाजो 30 5G, जो कि इसकी जो कैमरे के पास जो स्ट्रिप्ट है कुछ सिमिलर है। और यही ऐसी स्ट्रिप्ट हम लोग को रियलमी 8 में भी देखने को मिल जाती है। और बात करें इसके कुछ फीचर्स की, जो कि बहुत ही अच्छे फीचर्स हम लोग इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसकी इस जो हम लोग डिस्प्ले है वो 6.4 इंचेस के हम लोग फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है हम लोग को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग को रियलमी 30 में नहीं देखने को मिलती है सुपर AMOLED डिस्प्ले, और हम लोग को इसमें देखने को मिल जाती है रियलमी 7X मैक्स में। और फिर बात करें इसके कैमरा सेटअप की, तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो जिसमें हम लोग को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शूटर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट कैमरे की हम लोग बात करें, तो इसमें जो हम लोग 60 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है हम लोग को। और फिर बात करें इसकी बैटरी की, तो हम लोग को 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 15W के चार्जर के साथ। और फिर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस के साथ हम लोग देखने मिल जाता है। डायमेंसिटी 1200 देखने को मिल जाता है मीडिया टेक का हम लोगों को। इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है, और लिक्विड कूलिंग के साथ हम लोगों को देखने को मिल जाता है, जिससे हम लोगों को इसमें हीटिंग की कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। और बात करें इसमें कुछ 3.5 mm का जैक हम लोग को देखने को मिल जाता है इसमें इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर के साथ। और फिर बात करें इसकी कुछ प्राइसिंग की, तो हम लोग को इसमें लॉन्च होने से पहले हम लोग को इसमें जो बॉक्स पर जो प्राइसिंग दे रखती है हम लोग को देखने को मिलती है, कुछ 33,000 देखने को मिली थी हम लोगों को प्राइसिंग। लेकिन अब जो है लॉन्च हो चुका है इंडिया में, जो इंडिया में लॉन्च हुआ था ये स्मार्टफोन, वो है 31 मई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों को जो बॉक्स पे प्राइस देखने को मिले थे वो हम लोग को रियलिटी में नहीं है, बहुत ही कम है। तो बात कर लेते हैं इसकी हम लोग वेरिएंट की, जो कि हम लोग इसमें 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं 8+128 और दूसरा वेरियंट है 12+256। तो अब दोनों वेरिएंट की हम लोग प्राइसिंग की बात करें, तो 8+128 की जो प्राइस रेट है वो कुछ इंडिया में 26,999 रुपीज़, यानी कि कुछ अप्रॉक्स 27,000 यानी 27,000 रुपये के आसपास। और फिर दूसरे स्मार्टफोन की बात करें वो 12+256 की, तो वो हम लोग कुछ देखने को मिल जाता है 229,999 रुपीज़, यानी कि कुछ 30,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है हम लोग इस स्मार्टफोन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट चाइना में जो है इसके प्राइस रेट बहुत ही कम है इंडिया के कंपैरिजन, तो वो कि बहुत ही ग्लोबल वर्जन पे हम लोग देखने को मिल जाता है, इसलिए हम लोग का स्मार्टफोन वहाँ पे थोड़ा सस्ता देखने को मिलता है और इंडिया में थोड़ा महंगा। बट कंपैरिजन कर हम लोग रियलमी 7 से, तो इसमें जो कुछ फीचर्स बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं हम लोग को इस बार, और प्राइस भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं कंपैरिजन टू रियलमी 7। और इस बार ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग ये स्मार्टफोन परचेज़ करना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का ऑप्शन है उसको जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोगों के 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी कंप्लीट हुए हैं। और हम लोग को अगर आप लोगों को कोई भी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जाकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। और मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली अच्छी वीडियो पर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।